जय विष्णु भगवान। एकादशी व्रत कथा। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। एक बार युद्ध में बाली ने देवताओं के राजा इंद्र को हराया और निर्विवाद नेता बन गया और इस तथ्य ने उन देवताओं को झकझोर दिया जो जानते थे कि असुरों के शासन में देर सवेर सृष्टि का विनाश होना तय था। जय विष्णु भगवान। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से हस्तक्षेप करने और देवलोक और पृथ्वीलोक को बाली के नियंत्रण से पुनः प्राप्त करने की अपील की। हालांकि चूंकि बाली विष्णु का भक्त और एक उद्धार राजा था, इसलिए भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति का परीक्षण करने का फैसला किया। तो भगवान विष्णु ने अपना पांचवा मुख अवतार ब्राह्मण लिया और बाली के दरबार में उपस्थित हुए। राजा का अभिवादन करने के बाद ब्राह्मण ने सोचा कि क्या बाली उसे वह भूमि दे सकता है जो वह अपने छोटे पैर से तीन बार ढकेगा। और राजा तुरंत उसे भूमि का टुकड़ा प्रदान करने के लिए तैयार हो गया। जय विष्णु। दिलचस्प बात यह है कि बाली के गुरु शुक्राचार्य को पता चला कि ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे, इसलिए उसने राजा को चाल के खिलाफ चेतावनी दी। लेकिन उसने अपने शब्दों को वापस लेने से इनकार कर दिया। जय विष्णु भगवान। इसके बाद ब्राह्मण ने पहला कदम उठाया और पृथ्वी को ढक लिया। दूसरे के साथ उसने आसमान पर कब्जा कर लिया और सोचा कि तीसरा कदम कहाँ रखा जाए। जय विष्णु भगवान। जय विष्णु देव। आखिरकार बाली ने महसूस किया कि ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे, इसलिए उसने हार मान ली और अपना सिर अर्पण कर दिया। अतः मैं भगवान विष्णु ने अपना पैर बाली के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। जय विष्णु। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो लोग परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनको समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। जय विष्णु भगवान।